Assalamualaikum दोस्तों, वेलकम टू आमिर स्पीक्स। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर मैं एक ऐसे स्मार्टफोन की बात करूंगा जो कि ना लोअर रेंज में आता है, ना मिड रेंज का है, ना अपर रेंज का। ये थोड़ा अपर रेंज के भी ऊपर का स्मार्टफोन है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सैमसंग गैलेक्सी S10 प्लस की। तो यहाँ पे मैं सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस को ऑलरेडी रिव्यू कर चुका हूँ और आने वाली वीडियो के अंदर मैं सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस और सैमसंग गैलेक्सी S10 प्लस का भी रिव्यू दोनों को कंपेरिजन करके आपको बताऊंगा। लेकिन आज की वीडियो में हम प्रॉपर फोकस करेंगे सैमसंग गैलेक्सी S10 के अंदर, इसके फीचर्स क्या क्या है, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या क्या है, और इसके बाद ये स्मार्टफोन पाकिस्तानी मार्केट के अंदर कितने की प्राइस का आपको मिलेगा और आपको ये स्मार्टफोन खरीदना चाहिए या नहीं। चलिए आपका टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो को अब शुरू करते हैं और सैमसंग गैलेक्सी S10 का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो यार अब हम आ चुके हैं अपने स्मार्टफोन के ऊपर। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पंच कैमरा है स्क्रीन के अंदर और यहाँ पे ये डुअल कैमरा हमारे को प्रोवाइड कर रहा है और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ये एक टेक्नोलॉजी को इनोवेशन दी है यहाँ पे सैमसंग। यहाँ पे हमें ऑक्टा कोर का प्रोसेसर मिलता है जिसकी दो कोर्स जो है वो 2.27 गीगाहर्ट्ज़ पर काम करती हैं, दो कोर्स जो है वो 2.23 गीगाहर्ट्ज़ की स्पीड पर काम करती हैं और बाकी की चार कोर 1.9 गीगाहर्ट्ज़ की स्पीड के ऊपर काम करती हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें चिपसेट जो मिलता है वो साइनोस का है 9820 ऑक्टा और यहाँ पे 8 नैनोमीटर का डिस्टेंस होता है यहाँ पे। उसके बाद जो है GPU हमारे पास माली G76MP12। तो उसके बाद यहाँ पे टेक्नोलॉजी जो है वो डायनेमिक एमोलेड कैपेसिटिव टच स्क्रीन हमें मिलती है और ये टच स्क्रीन जो होती है इसके अंदर आपको स्क्रीन के अंदर ही फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। उसके बाद इसकी जो स्क्रीन है वो है 6.4 इंचेस और यहाँ पर आपको 1440x3040 पिक्सल का रेजोल्यूशन मिलता है। उसके बाद आपको कोरिंग गोरिला ग्लास 6 की प्रोटेक्शन आपको मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पे दो वेरिएंट्स आते हैं, एक आता है 8GB रैम और 256GB रोम वाला और एक वेरिएंट है 8GB रैम और 512GB रोम वाला। उसके बाद आप माइक्रो कार्ड एक्सटर्नल स्टोरेज के लिए भी यूज कर सकते हैं अप टू 512GB तक। उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे मेन कैमरे की। तो यार यहाँ पे जो मेन कैमरा है हमारे पास वो ट्रिपल सेटअप कैमरा है, 12 मेगापिक्सल का पहला कैमरा है। उसके बाद आपको दूसरा कैमरा जो है वो भी 12 मेगापिक्सल का है, वो टेलीफोटोज के लिए यूज होता है। पहला कैमरा जो है वो 26mm वाइड पिक्चर्स के लिए आपको प्रोवाइड करता है। उसके बाद जो दूसरा कैमरा है वो आपको फोटोज प्रोवाइड करता है और जो तीसरा कैमरा है वो 2x ऑप्टिकल जूम है विद 16 मेगापिक्सल और यहाँ पे आपको अल्ट्रा वाइड पिक्चर प्रोवाइड करता है 12mm की। यहाँ पे आपको LED फ्लैश भी बैक साइड के ऊपर मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पर आपको ऑटो HDR पैरोनामा वीडियो रिकॉर्डिंग जो है, वीडियो रिकॉर्डिंग सबसे बेस्ट आपको मिल रही है। यहाँ पे 2K का रिकॉर्डिंग आपको मिल जाती है 60 फ्रेम्स पर सेकेंड के ऊपर और 1080 पिक्सल का जो रिकॉर्डिंग है वो 240 फ्रेम्स पर सेकेंड के ऊपर आपको मिलती है। 720 पिक्सल की अगर आप वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो 960 फ्रेम्स पर सेकेंड के ऊपर आपको मिलती है। उसके बाद यहाँ पे HDR मोड है, डुअल वीडियो रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मेन कैमरा की जो कि पंच हुआ है स्क्रीन के अंदर। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास डुअल सेटअप कैमरा मिलता है, पहला कैमरा है वो 10 मेगापिक्सल का। उसके बाद हमारे पास एक और कैमरा है जो कि डेप्थ सेंसर की शक्ल में हमें मिलता है 8 मेगापिक्सल का और यहाँ पे ऑटो HDR वीडियो जो है आपको 2K की रिकॉर्डिंग करता है 30 फ्रेम्स पर सेकेंड के ऊपर और 1080 पिक्सल यानी फुल HD रेजोल्यूशन की जो वीडियो प्रोवाइड करता है वो भी 30 फ्रेम्स पर सेकंड के ऊपर आपको प्रोवाइड करता है सैमसंग गैलेक्सी S10 प्लस। अब हम बात कर लेते हैं कुछ इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो यहाँ पे एंड्रॉइड 9.0 पाई आपको मिल जाता है और उसके अलावा उसके बाद ये बेस्ड ऑन है वन UI के ऊपर। उसके बाद यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग आपको सपोर्ट करता है 15 वॉट की और नॉर्मल जो आपको चार्जिंग सपोर्ट करता है वो भी यहाँ पे आपको 15 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर आपको बैटरी जो मिलती है वो मिलती है 4100 mAh की और यहाँ पर आपको बैटरी जो है 2 दिन तक आपको बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर देगी टॉक टाइम का। तो यहाँ पर आपने सब कुछ देख लिया, सब कुछ आपने जान लिया कि इसके अंदर हमें क्या क्या फीचर्स मिल रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसकी
इसकी प्राइस क्या होगी। तो यहां पर इसकी प्राइस आपको मिलेगी पाकिस्तानी मार्केट के अंदर 256 GB वाला जो वेरियंट है वो 1,47,000 रुपए का आपको पड़ेगा, और 512 GB वाला वेरियंट जो है वो आपको मिलेगा 2,27,000 रुपए में। तो यहाँ पे आप इसकी फ्रंट कैमरा के ऊपर अगर हम देख लेते हैं, फ्रंट कैमरा को यूज करके और बैक कैमरा को यूज करते हैं। सबसे पहले हम यूज कर लेते हैं बैक कैमरा, यहाँ पे हमने और कुछ पिक्चर्स मैं लेता हूँ यहाँ पर बैक कैमरे से, उसके बाद मैं स्लोमो आपको चेक करवाऊंगा, उसके बाद वीडियो रिकॉर्ड करके थोड़ी सी चेक करवा दूंगा। अब हम बात कर लेते हैं फ्रंट कैमरा की, जो कि पंच हुआ हुआ है स्क्रीन के अंदर बिल्कुल राइट साइड कॉर्नर के ऊपर, और यहाँ पर आपको इन डिस्प्ले कैमरा एक बड़ा जबरदस्त यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद जो है यहाँ पे फेस अनलॉक का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है, जो कि काफी स्मार्ट है, और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट्स। अब हम बात कर लेते हैं इसको यूज करके, थोड़ा सा इसकी रैम मैनेजमेंट चेक करवा देता हूँ आपको, कुछ एप्स वगैरह मैं खोल के आपको दिखा देता हूँ, और इसके कुछ बिल्ट इन एप्स को हम यूज करके थोड़ा सा देख लेते हैं और गेमिंग एक्सपीरियंस भी साथ देख लेते हैं। यहाँ पे एक दो मैं गेम ऑन करके आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह का आपको एक्सपीरियंस मिलता है। तो अब ये एक दो गेम्स है मेरे पास, इनको ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। अब आपने देख लिया इस पूरे स्मार्टफोन को, अब इसका मैं कंपैरिजन करूंगा नोट 10 प्लस के साथ और आईफोन 11 प्रो के साथ और प्रो मैक्स के साथ। तो उस वीडियोस को देखने के लिए आपको करना कुछ नहीं, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल के आइकन पे क्लिक कर देना है। तो यार उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो यार वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, क्योंकि अगर आपने नहीं लेना शायद कोई और ले ले ये स्मार्टफोन। और स्पॉन्सरशिप का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उनको कॉन्टैक्ट करके ये स्मार्टफोन खरीद सकते हैं। तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज एंड बाय बाय।